बाद जो 60 डेज का था, कम से कम प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ सफाई, आपका सदर अस्पताल है वहाँ हम लोगों ने एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को भी नियुक्त कर दिया है। और मोतियाबिंद की समस्या जो है बिहार में, लोगों को जो है निःशुल्क उसका इलाज हो सके, उसके लिए हमने बोला कि भाई फरवरी माह में कम से कम 1,00,000 लोगों का ऑपरेशन होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज जब पटना के पीएमसीएच पहुंचे तो उन्होंने बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा है कि बिहार भर के लगभग 1,00,000 लोगों का अगले महीने यानी कि फरवरी महीने में निःशुल्क यानी कि फ्री में ऑपरेशन कराया जाएगा मोतियाबिंद का। देखिए, तेजस्वी यादव ने एक बड़ी घोषणा की और कहा है कि इस पर कार्य शुरू भी हो चुका है। पूरे बिहार के हर जिले से तमाम जितने लोग मोतियाबिंद से ग्रस्त हैं, जो असहाय लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, उनका निःशुल्क ऑपरेशन कराया जाएगा मोतियाबिंद का, और हर जगह कैंप लगाया जाएगा। तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कही है। देखिए, रोज़गार को लेकर तेजस्वी यादव शुरू से कहते रहे हैं कि लगभग 1,60,000 पदों पर बहाली होनी है मेडिकल स्टाफ की, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री में। क्या कुछ कह रहे हैं, ज़रा सुनिए। जहाँ अच्छे काम हुए उन लोगों को हम लोगों ने ऑनर किया है, और इससे कम से कम पता तो चला कि कहाँ कौन सा लोग जो है कहाँ अच्छा काम कर रहा है और कहाँ काम नहीं हो पा रहा है। तो ये तो एक टारगेट दिया गया था, उसी के हिसाब से हम लोगों ने आकलन किया। काफ़ी जिलों में सुधार हुआ है और काफ़ी जगह जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। तो अब आपको आइडिया लग गया है कि कहाँ हमको ध्यान देने की ज़रूरत है, तो हम लोग अब वहाँ ध्यान देंगे। पहला जो 60 डेज का था, कम से कम प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ सफाई। अब जो फेज टू जो आएगा, वो दवा लोगों को मिले और लोगों का इलाज हो पाए, यानी डॉक्टर उपलब्ध रहे, तो इसको लेकर के हम लोगों ने काम किया। इसके लिए हर जिला में रेफर, जितना आपका सदर अस्पताल है वहाँ हम लोगों ने एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को भी नियुक्त कर दिया है। और भी हम लोग पॉलिसी, जैसा रेफरल पॉलिसी जो है, आज जितना गाइडलाइन है उसकी शुरुआत हो गई है। रेफरल मतलब कोई भी कुछ भी काट के भेज देता था अंजय पटना, अब जो है गाइडलाइन बना दिया गया है प्रॉपर कि आप किस मौके पर ही आप जो है पटना या और कहीं रेफर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात, कल पदभार, क्योंकि नया साल आया है और मोतियाबिंद की समस्या जो है बिहार में, लोगों को जो है निःशुल्क उसका इलाज हो सके, इसके लिए हमने बोला कि भाई फरवरी माह में कम से कम 1,00,000 लोगों का ऑपरेशन होना चाहिए। तो हमको पूरा विश्वास है कि 1,00,000 में हर जगह कैंप लगाया जाएगा, हर प्रमंडल में, हर बिहार में, पूरे बिहार में। चलिए, एक और सवाल, पीएमसीएच में है आप, वर्ल्ड क्लास बन रहा है, टारगेट कुछ दिए हैं कब तक ये टारगेट पूरा कर लेना? नहीं, लोगों का तो है क्योंकि काफ़ी बिल्डिंग बना, फेज वाइज है, और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द फेज वाइज जो है वो बन करके तैयार हो जाए, जितना जल्द से जल्द। तो सुबह के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने क्या कुछ घोषणा की, हमने आपको सुनवाया है। आज पटना के पीएमसीएच पहुंचे थे, जहां पर नवनिर्मित कैथ लैब का शुभारंभ किया है। आप बता दें, पटना के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में कैथ लैब बनकर तैयार हुआ है, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने आज उसका शुभारंभ किया है और लोगों के बीच में जाकर ये वादा किया है कि फ्री में होगा, निःशुल्क होगा मोतियाबिंद का ऑपरेशन, पूरे बिहार भर के लगभग 1,00,000 लोगों का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।